धर्मकांटा कर्मी ब्रजेश पाल का अपहरण और फिरौती की मांग उसके दोस्त ने ही की थी। नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर गला घोटा, फिर शव को कुएं में फेंक दिया था। अपहरण के 13 दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपित ट्रक चालक सुबोध सचान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसने 2 ट्रक फाइनेंस कराए थे। कर्ज लौटाने के लिए उसने 20 लाख की फिरौती मांगी थी। रकम के लिए फोन भी उसने हत्या के बाद किया था। वहीं पीड़ित पिता शिवनाथ सिंह ने कहा है कि पुलिस उन्हें झूठा दिलासा देती रही और बेटे का कत्ल हो गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित स्वजन के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए 5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस की जवाबदेही भी तय करने को कहा है। मामले की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि जल्द सजा मिल सके।